धन्यवाद राजेश जी। मेरे साथ सद्भावना फाउंडेशन के हमारे इस क्षेत्र के प्रमुख प्रदेश के भी वरिष्ठ पदाधिकारी राजनेता सामाजिक कार्यकर्ता मीडिया के लिए फोटो जाना भी नवीन जी, हमारे मित्र अविनाश जी, राहुल जी, धर्मेंद्र जी और यहाँ पर उपस्थित जो शिक्षकगण हैं, अन्य विशिष्ट व्यक्ति मिठारी में रहने वाले ये प्यारे बच्चों, मैं आज इस कार्यक्रम में BSM पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम में आकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं यही 36 में ही रहता हूँ, मिठारी के बारे में काफ़ी आते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, घूमते भी हैं, यहाँ के कार्यों में भी, चाहे पार्टी के कार्यकर हो, भारतीय जनता पार्टी के या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के या अन्य सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम हैं, यहाँ पे हमने गए घूमे, लोगों से मिले, लेकिन मैंने कभी BSM स्कूल में, आज पहली बार मैं आया हूँ, मैंने कभी इस तरह की कल्पना नहीं की कि इसके अंदर, इतने अंदर चल के इतना बड़ा विशाल स्कूल यहाँ पे खड़ा है। और जैसा अनिल जी ने बताया कि छोटा सा पौधा यहाँ पे लगा था, वो पौधा आज वट वृक्ष की तरह 5,000 बच्चों के रूप में यहाँ पे फलीभूत हो रहा है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, बच्चे यहाँ पे हैं, उनका उत्साहपूर्वक चेहरा देख के हमें भी उत्साह आ जाता है। बच्चों में, युवाओं में क्या है, उत्साह है, पॉजिटिव थिंकिंग है, आने वाले भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आशान्वित नजरों से वो काम करते हैं ना। आप सब, आपको अपना उज्जवल भविष्य दिख रहा है भारत में? बोलो जोर से। यस सर। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा देश विकास कर रहा है ना। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, मानते हो? मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है? Yes, sir. सभी क्षेत्र में कर रहा है ना? Yes, sir. आज देखो, कोई भी अगर विश्व का कोई भी नेता आता है भारत में, तो वो भारत का स्वाभिमान और भारत का विश्वास और अभिमान लेके आता है। आइए आलोक जी, आइए, इनका भी चौहान साहब का भी स्वागत करेंगे। जिस तरह से भारत का भविष्य उज्जवल है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल है, उसी उज्जवलता, उसी विकास के अंदर हम अपना भी रोल देखते हैं ना। अगर भारत बहुत प्रगति कर ले, उत्तर प्रदेश बहुत प्रगति कर ले और हम उसके भागीदारी नहीं हुए, तो हमें उसका आनंद आएगा? बोलो, नहीं आएगा ना। तो भारत का, उत्तर प्रदेश का विकास के अंदर हम भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, तो वो कैसे होगा? अगर हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे, शिक्षा में मजबूत कर लेंगे, अपना शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, शिक्षा हमारी अच्छी हो, स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो, आसपास सफाई हो, हमारे लिए जो हमारा लक्ष्य है, जो हम बनना चाहते हैं, कोई यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई सेना में भर्ती होना चाहता होगा, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई CA करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई उद्योग में सरकारी नौकरी में IAS बनना चाहता है, पुलिस के अफसर बनना चाहता है। तो सब क्षेत्र में अगर हम अपना योगदान देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो अपना लक्ष्य पूरा तय होना चाहिए, मैं क्या बनना चाहता हूँ और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, ये भी जरूरी है ना। अगर आपको दिल्ली जाना है, इंडिया गेट जाना है, तो उसका रास्ता पता होना चाहिए नहीं? या ऐसे ही चल दोगे? तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, तो कैसे उसको प्राप्त करना है, ये पता चलना चाहिए। और फिर उसके बाद उस रास्ते पर चलने के लिए क्या आवश्यक है? डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा विषय है,
तो यह अपने आप में आपको जीवन में तय करना है, और उस तय करके अपने माँ बाप से, शिक्षक से, भाई बहन से, अपने यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से, इन सब से उस रास्ते को पता करके उस रास्ते के लिए जो आवश्यक गुण है उसको अपने जीवन में समाहित करना है। अगर कोई स्पोर्ट्समैन बनेगा तो उसको खेल के जगत में शरीर के लिए शारीरिक रूप से मजबूती करना है, पढ़ाई करना है, तो इसके लिए एक व्यवस्था भी चाहिए। आपको पता चल गया लक्ष्य क्या है, रास्ता कैसे है, उसके लिए क्या आवश्यक है, लेकिन एक वातावरण चाहिए। तो यहाँ राजेश जी, उनकी टीम ने, अनिल जी, सब लोगों ने एक वातावरण तैयार किया है ना, वातावरण दिया आपको, लोगों को, माँ बाप को, माँ बाप ने, भाई बहन, बच्चों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, शिक्षकों ने, तो इनका ताली बजा जाके जोर से अभिनंदन हम करेंगे। इन्होंने वो वातावरण दिया है, उस वातावरण को हम अपने अपने उपयोग में लाएंगे। तो जैसे कंप्यूटर, अभी अनिल जी ने कहा कि कोई आवश्यकता हो कंप्यूटर सेंटर, तो यहाँ स्किल सेंटर खोल ही रहे, स्कूल है, और भी आवश्यकताएं हैं, उसको भी आगे लेके जाएंगे। तो जो सामाजिक रूप से जागरूक लोग हैं वह चिंता करते हैं अपनी भी नहीं, अपने आसपास के लोगों की, अपने वातावरण की, अपने विद्यार्थियों की, अपने संपर्क में, तो इस चीज़ का भी पूरी तरह से जागरूकता के साथ हम लोगों को उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए, और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आने वाला समय भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित होना चाहता है। यह हजारों सालों बाद ऐसी स्थिति आती है। हमने एक समय देखा था भारत उन्नत था हर क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद 1000 साल का ऐसा कालखंड आया, एक पीरियड आया जब भारत गुलाम हो गया। क्यों हुआ? वहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं रखा देश के मजबूत करने के लिए, क्या करने के लिए, और उसके बाद अब 75 वर्ष हुए हमारे स्वतंत्रता को और 100 साल होने वाले हैं। तो ऐसा कालखंड आया देश के विकास के लिए, और हम सबका सौभाग्य है कि हम उस कालखंड में अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। यह समय है जो अमृत काल प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। इस अमृत काल में हम लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत वो जो सारे व्यवस्थाएं मिल रही है, हम उस, हमारा सौभाग्य है कि उस पीरियड में हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो मुझे लगता है कि यह संकल्प लेके जाएंगे, और दो आने वाले समय में चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने आगे बढ़ना है। एक गीत हमने सुना था बचपन में, दसों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं। हमें हर क्षेत्र में प्रगति करनी है, हर क्षेत्र में विकास करना है, हर क्षेत्र में भारत को मजबूत स्थिति में, देश को आगे ले जाना है, और वह कौन करेगा? हम करेंगे। कोई अमेरिका आके या ब्रिटेन आके देश को विकास पे नहीं करेगा, हमें करना है। तो हम लोगों को यह संकल्प लेना है, संकल्प के साथ मजबूती से उसके लिए प्रयास करना है। और कई बार ऐसे क्षण जीवन में आते हैं जब हमारे दिन, हमारे रास्ते में, हमारे प्रगति में हमें सोच के उस तरफ बढ़ने का मौका मिलता है। तो अगर आप यह संकल्प लेके आज जाएंगे, आप यह संकल्प लेके अपने जीवन में मजबूती स्थापित करेंगे, देश के, परिवार के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, अपने विकास को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा आना आज का दिन सार्थक हुआ है। आप लोग मेरा यहाँ पे आना, हम सबका यहाँ पे आना सार्थक करोगे ना? Yes, sir. इस विश्वास के साथ हम जा सकते हैं ना? आप जीवन में जो भी लक्ष्य बनाओगे उसको पूरा करोगे? Yes, sir. हाँ, तो ये संकल्प लेंगे, मेरे साथ नारा लगाएंगे, आपको पढ़ाई अच्छी करनी है, बाबा आपकी सेवा करनी है, देश की चिंता करनी है, और अपने आसपास के लोगों को साथ लेके चलना है। अगर मेरा भाई बहन दोस्त, अगर उसको किसी चीज की आवश्यकता है तो उसकी भी पूर्ति करनी है ना? तो इस बात को हम लेके चलेंगे, मेरे साथ नारा लगाएंगे दोनों हाथ उठा के, और मेरे पीछे बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जो आज आयोजक है उनका जोर से उनका अभिनंदन करते हुए ताली बजाएंगे राजेश जी। बोलूंगा सशक्त गौतम बुद्ध नगर, आप बोलोगे उन्नत भारत, हमें भारत को उन्नत बनाना है लेकिन अपने क्षेत्र को भी मजबूत करना है। सशक्त गौतम बुद्ध नगर उन्नत भारत, सशक्त गौतम बुद्ध नगर उन्नत भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।